माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 26 चिकित्सा शिक्षा एवं सफाई पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, आज हमारा देश विश्व में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला देश है और हमारे वैज्ञानिक चिकित्सक इन्होंने अपनी श्रेष्ठता से पूरे विश्व में ये सिद्ध कर दिया है कि भारत की प्रतिभाएं, भारत के चिकित्सक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक और वैज्ञानिक हैं। ऐसा नहीं कि पहले इनके पास प्रतिभा नहीं थी अथवा इनको अवसर नहीं मिला करते थे, परंतु वास्तव में साधन और संसाधन की अनुपलब्धता के चलते हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिक और चिकित्सकों को विदेशों में जाना पड़ता था और अवसर की तलाश में विदेश जाकर ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय चिकित्सक वहाँ अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करते थे, परंतु श्रेष्ठता का लाभ हमारे भारत देश को नहीं मिलता था, अपितु वो देश जहाँ ये जाकर सेवा का काम करते थे सारा श्रेय हमारी भारत के प्रतिभाओं का उनको मिल जाया करता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2014 के बाद सत्ता संभालने के बाद ये संकल्प लिया कि इस देश के वैज्ञानिकों को, इस देश के चिकित्सकों को पूरी सुविधा संपन्न दिया जाएगा, उनको हर प्रकार से संसाधन दिए जाएंगे, उनको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जाएगा, उनका मनोबल बढ़ाकर उनकी प्रतिभा का इस देश में ही उपयोग किया जाएगा और माननीय सभापति महोदय, उनको हर प्रकार से सुविधा संपन्न करके संसाधन जुटाकर हमारे वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने जब देश में काम करना प्रारंभ किया तो उनकी श्रेष्ठता का लोहा पूरे विश्व ने माना और आज हमारा देश जैसे कोई उदयमान सितारा क्षितिज में चमचमाता है, उस तरीके से आज हमारी भारत भूमि इस विश्व में चमचमा रही है हमारे भारतीय वैज्ञानिकों और भारतीय चिकित्सकों के द्वारा। माननीय सभापति महोदय, पहले ये स्थिति थी कि हम मास्क से लेकर वेंटिलेटर, छोटे छोटे पीपी किट और सैनिटाइजर तक को हमको दूसरे देशों के लिए निर्भर रहना पड़ता था और हाथ पसारने पड़ते थे दूसरे देशों के सामने कि हमें वेंटिलेटर उपलब्ध करा दो, लेकिन आज हमारे देश में हर प्रकार के उत्पाद, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो और चाहे वो वेंटिलेटर हो, वो सारे के सारे उत्पाद प्रचुर मात्रा में, बहुतायात में हमारे देश में बनना प्रारंभ हो गए। कोरोना काल के हमारे मैनेजमेंट को सारी दुनिया ने सराहा और जिस तरीके से 130 करोड़ की जनता को पूरे हमारी केंद्र सरकार ने संभाला, चाहे उनके खाद्य सामग्री से लेकर उनकी चिकित्सा व्यवस्था की बात करें, तो इस भीषण आपदा के हम ऐसी सहजता के साथ निकल आए जबकि वो बड़ी बड़ी शक्तियां, वो बड़े बड़े संपन्न समृद्ध विकसित देश, वो आज भी उस पीड़ा से त्रस्त है और गंभीरता के साथ उस त्रासदी से उबर नहीं पाए। माननीय सभापति महोदय, हमने जब पूरा विश्व कोरोना के उस वैक्सीन की खोज में लगा हुआ था, रोजाना नए घोषणाएं होती थी कि आज कोरोना वैक्सीन का प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ऐसे में वो गौरवशाली क्षण आया माननीय मंत्री जी, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने पूरे विश्व को अचंभित कर दिया और एक नहीं दो दो वैक्सीन भारत की भूमि पर बने और वो भी 125 देशों ने उस वैक्सीन की मांग की, उसकी प्रमाणिकता को, उसकी सुरक्षा को खरी कोटी पर उतारा कि सबसे सुरक्षित ना तो कोई फाइजर ना अन्य कोई वैक्सीन, सबसे सुरक्षित हमारे देश हिंदुस्तान का वैक्सीन वो वैक्सीन है, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो। मैं आज जिस तरीके से हमारे सरकार के द्वारा 130 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और पूर्ण व्यवस्था के साथ पूरी
एक ऐसी कार्य योजना के साथ, बड़ी शीघ्रता के साथ ये कोरोना वैक्सीन हमारे देशवासियों को लगाया जा रहा है। मैं हमारे राजस्थान सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि केंद्र से सीख लेकर राजस्थान में चिकित्सकीय तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कोरोना काल में आप झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं, अपनी पीठ खुद थपथपाना चाहते हैं, अपनी भूरी भूरी प्रशंसा खुद करना चाहते हैं। आप आंकड़ों को छुपाकर भले ही से आप स्वयं खुश हो लें, लेकिन धरातल पर वास्तविक स्थिति यह है, बीमार व्यक्ति इस राजस्थान प्रदेश का त्रस्त है, परेशान है, उसको प्रॉपर वे में इलाज नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं को आप ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे। राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए आप सार्थक चिकित्सा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। दो मिनट में समाप्त करें। दस मिनट का टाइम दिया साहब। नए जो 15 मेडिकल कॉलेज थे और हम सौभाग्यशाली थे कि देश ने 75 मेडिकल कॉलेज देश के राज्यों को दिया था और 15 मेडिकल कॉलेज राजस्थान की धरती को मिले थे, लेकिन आज एक भी मेडिकल कॉलेज में भूमि आवंटन का कार्य तक प्रारंभ नहीं हो पाया है। निशुल्क जांचों और दवाइयों, आपने 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 104 दवाइयों को निशुल्क दवा योजना में उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, पर क्या किडनी, हार्ट और कैंसर की दवाई किस चिकित्सालय में उपलब्ध हो रही है? किसी चिकित्सालय में दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। आपने जिस तरीके से पीपी मोड पर सीटी स्कैन, एमआरआई की जांच सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, ये घोषणाएं अभी कागज के बाहर नहीं आई है। आप कोटा मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो कोरोना काल में लगभग 100 वेंटिलेटर केंद्र सरकार से आए थे, जिसमें से 75 तो आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाए, मात्र 25 इंस्टॉल होकर ऐसे समय में जब कोरोना के मरीज भरे हुए थे तो वहां वेंटिलेटर्स की कमी थी। सुपर स्पेशलिटी विंग जो कोटा में केंद्र सरकार के सहयोग से 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर खड़ी हुई है, वहां पर यह स्थिति है कि 2 साल उसे बने हो गए ना, पर वहां पर आप सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक लगा पाए, ना ट्रेंड टेक्निकल स्टाफ लगा पाए, ना वहां पर नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है, और जो महंगे उपकरण वहां खरीदे हुए हैं उन महंगे उपकरणों में ताले लगे हुए हैं, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो पिछली सरकार ने माननीय हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने 2017-18 की बजट घोषणा में 185 लाख की लागत से मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट, इन वर्षों से भी इसका कार्य हुआ। एक मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं साहब। रामपुरा में 50 बेड का अस्पताल, उसको आप चालू नहीं कर पाए। विज्ञान नगर में CSC, उसको 5 करोड़ रुपए की लागत से खड़ी हुई है, लेकिन उसमें अभी तक चिकित्सक और टेक्निकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ नहीं है। वहां तमाम तरीके के सोनोग्राफी, एक्सरे मशीनें वो काम में नहीं आ रही। द्वितीय तल का 29 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज का कार्य था, जो आज तक वो कार्य आगे नहीं बढ़ पाया, सिर्फ 50% काम हुआ है माननीय सभापति महोदय। बिराजी, बिराजी, बिराजी।